आप देख रहे हैं नेशनल टुडे धनबाद का लोकप्रिय न्यूज स्पोर्ट है। मैं हूँ सरता। चलिए खबर की ओर। वार्ड नंबर 17 में आई जांच कैंप का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और जांच के दरमियान करीब 20 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत पाया गया, जिसकी मुफ्त में नेताजी आई हॉस्पिटल रामचंद के सहयोग से निःशुल्क ऑपरेशन की जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाज सेवी युवा पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 के मोहम्मद खुर्शीद अंसारी ने बताया कि आज हमारे वार्ड नंबर 17 में हमारे प्रयास और नेताजी आई अस्पताल रामचंद्र के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ हर तबके के लोग पहुँचकर अपनी आँखों की जाँच व मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रहे हैं। आगे भी इस प्रकार का आयोजन लगातार अपने प्रयास से मैं कराता रहूँगा। क्या कुछ हो रहा है यहाँ बताएंगे? यहाँ पर आई कैंप लगा है मोहम्मद खुर्शीद अंसारी की तरफ से, और हम लोग सब आए हैं यहाँ दिखाने के लिए। मतलब क्या आई कैंप में जांच के बाद अगर मोतिया भी निकल रहा है तो क्या? हाँ, मोतिया भी निकल रहा तो उसका ऑपरेशन का भी सिचुएशन बता रहा है इन लोग, ऑपरेशन कराना है। आपने जाँच करवाया? हमने कराया। आपकी आँख ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहार है। जी बताएंगे, आज आई जांच कैंप का आयोजन किया गया है, कितने लोग मोतियाबिंद की शिकायत पाया गया और क्या कुछ इनके लिए व्यवस्थाएं हैं? नेताजी आई हॉस्पिटल रामचंद्र के सहयोग से आज हमारे टीम के प्रयास से आज ये हमारे वार्ड नंबर 17 में कैंप लगाया गया है। अभी तक लगभग 150 से 200 के आसपास में जाँच हुआ है और लगता है कि 30 से 40 लोगों का मोतियाबिंद निकला है, और सारे लोगों को यहाँ से नेताजी आई हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहाँ मुफ्त में ऑपरेशन लाना ले जाना ऑपरेशन और उनका दवा उनका पावर का चश्मा बिल्कुल सारा कुछ निःशुल्क मिलेगा, कोई भी चार्ज। और आगे किस कैंप की दोबारा कब का प्रोग्राम? आज ये कैंप लगा, जैसे बहुत से लोगों का ऐसा है किसी का शुगर पेशेंट निकल गया, किसी को कुछ भी कारण से निकल गया है, वो फिर नेक्स्ट 26 जनवरी को फिर से कैंप लगने वाला है। जो लोग छूट गए हैं वो दोबारा फिर से ये कैंप में 26 जनवरी को आकर के अपना करवा सकते हैं। पर्चे दे दीजिए। मैं मोहम्मद खुर्शीद अंसारी।